ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा बड़ा चैलेंजिंग रहा है किसी भी दौर में। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये गए वहाँ पे हार के आ जाएंगे, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है कि वो जीत के आएंगे। मैंने तो हकीकत में कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी हुई। नए बच्चे गए हुए, ज़्यादातर नई टीम गए जो पहली पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर है उनके लिए, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये है कि जो प्लेयर वहाँ परफॉर्म करेंगे वही आगे लंबा खेलेंगे, वही दुनिया की नज़र में आएंगे, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बड़ी काउंट की जाती है। जहाँ तक आप मिसबा की बात कर रहे हैं, एक नया सेटअप सेट हुआ हुआ है, तो चीज़ों को चलने दो, हर चीज़ टाइम मांगती है, टाइम लेना चाहिए, एंड देन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट पता चली जाए। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से कुछ कहें, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए आपको कि सामने वाले को पता चल जाए, कहने की जरूरत ना पड़े। उन प्लेयरों को नहीं देखा या उनकी टीम को कभी नहीं देखा, कब जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूं साथ कभी मैंने उनको डिफेंसिव नहीं देखा। के खिलाफ आप अग्रेसिव अगर ना खेलो, डिफेंसिव रहोगे, वो आपको मार देंगे। आपको जो टीमें इस लेवल पे उनके खिलाफ हमेशा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की कामयाबी अग्रेसिव क्रिकेट है। वो कभी डिफेंसिव मैंने उन प्लेयरों को नहीं देखा या उनकी टीम को कभी नहीं देखा, कब जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूँ साथ कभी मैंने उनको डिफेंसिव नहीं देखा। नहीं है इतना ज़्यादा पेस भी नहीं है, जो बॉलर्स हमारे पास हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश कंडीशन के बॉलर्स हैं, तेज़ बॉल करने वाले होने चाहिए, आने चाहिए। लेट्स सी इन ये जो नए लड़के के नया टैलेंट गया, ये इनके लिए चैलेंजिंग भी है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद इसका मतलब है कि ये केपेबल हैं अपने आप को बड़ा नाम बनाने के लिए, बड़ा स्टार और बड़ा पाकिस्तान के लिए काफ़ी अर्सा खेल सकते हैं। तो लेट्स सी, अब होप नॉट आउट। तो खैर छोटी सी बातें इतनी बड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से कुछ कहें, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए आपको कि सामने वाले को पता चल जाए, कहने की ज़रूरत ना पड़े। जा रहे हैं तो जाने दो, इलाज कराने जा रहे हैं तो इलाज करा के वापस आ जाएंगे, वो आना भी तो है ना उन्होंने वापस, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं रह सकते। जो मुखलिस आदमी होगा वो पाकिस्तान के बगैर नहीं रह पाएगा। कि शाहिद अफरीदी कितना मुखलिस है मुझे दूसरे का नहीं पता, मैं कितना मुखलिस हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।